नमस्कार किसान साथियों, बात करते हैं नासिक मंडी के बारे में। आज नासिक मंडी में 9 जनवरी 2021 को कैसा माहौल देखने को मिला है, या आज तेजी देखने को मिली है या नरमी ही नरमी देखने को मिली है? तो ऐसा नहीं है किसान साथियों, मैं आपको बता दूं आज नासिक मंडी में अच्छी खासी जो तेजी है वो देखने को मिली है। तो चलिए इस वीडियो में आपको सारी जानकारी पूर्ण जानकारी के साथ बताएंगे, क्योंकि इसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो हमारे पास अपडेट होकर आ चुकी है। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम आपको नासिक मंडी से लेकर हर एक जानकारी अवगत कराएंगे, मतलब अपडेट कराएंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो किसान भाई, बात करते हैं आज नासिक मंडी में जो सबसे ऊपर में, सबसे जिसे हम टॉप क्वालिटी की बोली बोलते हैं, वो 3400 रुपये तक के भाव में लग चुकी है सबसे ऊपर में, सबसे टॉप क्वालिटी की बोली। और यहीं पर किसान साथियों, मैं आपको बता दूं जो सुपर क्वालिटी का प्याज है वो किसान साथियों 2900 रुपये से लेकर 3300 रुपये तक के भाव में बिक चुका है नासिक मंडी में। अगर मीडियम क्वालिटी की बात करें तो किसान भाइयों 2500 रुपए से लेकर 2800 रुपए तक के भाव में बिक चुका है। अगर किसान भाइयों गुलटी क्वालिटी की बात करें तो 2000 रुपए से लेकर 2400 रुपए तक के भाव में नासिक मंडी में बिक चुका है। यहीं पर किसान भाइयों अगर गुलटी क्वालिटी की बात करें तो 1200 रुपए से लेकर 1900 रुपए तक के भाव में देखने को मिला है। अगर हल्के माल की बात करें किसान भाइयों तो 800 रुपए से लेकर 1100 रुपए तक के भाव में देखने को मिला है। वहीं पर खराब प्याज की बात करें तो 300 रुपए से लेकर 700 रुपए तक के भाव में देखने को मिला है आज। किसान भाई, ये बड़ी अपडेट है और ये अपडेट हमारे पास अभी अभी अपडेट होकर आई है डायरेक्ट ही नासिक मंडी से। किसान भाइयों, बात करें माहौल की तो आज अच्छा खासा माहौल देखने को मिला है और आज बम्पर तेजी देखने को मिली है नासिक मंडी में।